नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लील आपके लिए NTPC स्पेशल सेट का जो है छठा मॉडल पेपर आपके सामने लेके आ चुका हूँ साथियों, GK का, जिसमें हम इम्पोर्टेंट GK के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने आज की GK का टेस्ट का जो पहला प्रश्न आ रहा है, पहाड़ी इलाकों में कौन सा गेज उपयोग किया जाता है साथियों? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, संकीर्ण गेज या विशेष गेज? जिन साथी ने पहले ये प्रश्न पढ़ रखा है या जो इनका आंसर जानते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करें आप, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि आपको एक हैबिट बन जाती है, आपका एक ट्राई हो जाता है कि आपने एक आंसर जो है सही दिया है या नहीं है। इस चक्कर में क्या होता है कि हमें ये आंसर भी इसका याद हो जाता है। तो पहला प्रश्न था हमारा, पहाड़ी इलाकों में कौन सा गेज उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जिन्होंने आंसर दिया है, एक बार आंसर जाँच करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके सी, संकीर्ण गेज। जिन्होंने सी आंसर दिया है, एकदम राइट आंसर है साथियों। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रीय मुख्यालय शहर संयोजन गलत है? पश्चिम मध्य जबलपुर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर या पूर्व मध्य हाजीपुर? आपका आंसर बताइए साथियों, मतलब इसमें से जो कौन सा संयोजन है जो एक गलत प्रकार का है संयोजन है। जो भी साथीगण आंसर दे रहे हैं, एक बार लास्ट में अपने आप को जरूर जांच करें आप, और कमेंट भी जरूर करें कि आपको जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं साथियों। चलिए, तो यहाँ पर दूसरे का आंसर जिन्होंने दिया है, एक बार जांच कीजिएगा, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों बी, उत्तर पश्चिमी या जोधपुरी, जोधपुर। ये जो आपके एक पॉइंट है ये आपके गलत है, जोड़ा गलत है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, भारत में रेलवे के कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं साथियों? भारत में रेलवे के कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं साथियों? 6, 3, 5 या 4? साथियों अब टाइम ये बचा है आपके पास कि आप जो हैं अब इस दौर में जो हैं ज्यादा पढ़ाई करने के जो है उसको छोड़ के एक स्मार्ट स्टडी करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही कम रहा है। तो यहाँ पर जो है अब आपको मॉडल पेपर या जो भी आपके पास मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल हो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएं और वहाँ पे अपना स्तर जरूर जांच करें। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके 5, यानी सी आंसर इसका सही है। भारत में रेलवे के कुल जो है 5 प्रशिक्षण संस्थान है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किस राज्य के माध्यम से कोंकण रेलवे चलती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? या कर्नाटक, गोवा, केरल या तमिलनाडु? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार फटाफट अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दे साथियों, जिनको पता है एक बार अपना ट्राई जरूर मारे यहां पर। चलिए, तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर आया साथ ही आपके सामने, चौथे का राइट आंसर होगा आपके बी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल के माध्यम से जो है कोंकण रेलवे चलती है। पांचों क्वेश्चन साथ ही स्क्रीन के ऊपर आपके सामने, इनमें से कौन सा राज्य मेट्रो रेलवे के लिए कार्य कर रहा है साथियों? तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो यहां पर जिन्होंने आंसर दिया है, एक बार जांच करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके सी, पश्चिम बंगाल जो है मेट्रो रेल के लिए कार्य कर रहा है या इन्होंने जो है इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया है या बना दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, उससे पहले निवेदन है कि अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप हमने ज्वाइन नहीं किया है आपने तो आप जरूर ज्वाइन करें साथियों। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर जाके एनवीरा एजुकेशन को जरूर सर्च करें और आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर जुड़े ताकि नई न्यूज आपके पास पहुंच सकें। इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम के ऊपर जो है जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां पर आपको इन सभी की PDF सॉल्यूशन विद मिल जाए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा आपके सामने, इनमें से कौन सा रेल मार्ग सबसे बड़ा क्षेत्र है? दक्षिण रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तरी रेलवे या पूर्वी रेलवे? एक बार अपना आंसर भेजें, इनमें से कौन सा रेल मार्ग सबसे बड़ा क्षेत्र है? चलिए, तो यहां पर जिन्होंने आंसर दिया है, एक बार अपना आंसर जांच करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं आपके सामने ला रहा हूं साथियों। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा साथियों आपके
सी उत्तरी रेलवे जो है रेल मार्ग सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आते हैं, किस संस्था में बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? रेलवे स्टाफ कॉलेज, भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, या भारतीय रेलवे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजें आप सभी। किस संस्था में जो है बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो यहां पर जिन्होंने आंसर दिया है भाई बंधुओं ने, एक बार आंसर जांच करें। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा आपके बी, भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान। साथ ही रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो तो रेलवे से ज्यादा, रेलवे से रिलेटेड ज्यादा जीके आपको वहां पर पढ़ के जाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप पीछे रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, मैत्री एक्सप्रेस भारत से किस देश को जोड़ती है? मैत्री एक्सप्रेस भारत से किस देश को जोड़ती है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान? चलिए तो यहां पर जिन्होंने आंसर दिया है, एक बार जांच करें आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके साथियों 8वें का सी, बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत से बांग्लादेश को जोड़ती है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन 1853 में बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी? साथियों, मध्य भारत रेलवे, बॉम्बे बड़ौदा रेलवे, सिंधिया रेलवे या ग्रेट इंडियन प्रायद्वीप रेलवे? 1853 में बारी बंदर से ठाणे के बीच कौन सी ट्रेन चलाई गई थी साथियों, और सबसे पहली ट्रेन भी यही दौड़ी थी सबसे पहले। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, ग्रेट इंडियन प्रायद्वीप में रेलवे। लास्ट क्वेश्चन 10वां आपके सामने, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेलवे लाइन स्थापित की गई थी साथियों? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फटाफट भेजें आप सभी। चलिए तो यहां पर जिन्होंने भी आंसर दिया है, एक बार अपना आंसर जरूर जांच करें कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपके डी, लॉर्ड डलहौजी। साथ ही अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि किसके शासनकाल में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, तो भी इसका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो है रेलवे के अंदर जो है रेलवे पटरियाँ, जो रेलवे लाइनें होती हैं, उनको बिछाने का कार्य किया गया था, जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर इस मॉडल टेस्ट में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आई है इन क्वेश्चन के अंदर, तो एक बार आप जरूर कमेंट करें। और इसी के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।